सर 1972 के अंदर जिला कलेक्टर महोदय ने श्री रामसाई जी शर्मा और दो चार यहाँ के प्रबुद्ध लोग जाकर के और ये जगह आवंटन कराई थी। उसके बाद में उस समय जब काफ़ी पैसा गांव में भी नहीं था और गवर्नमेंट्स भी बहुत कम देती थी, तो ये जो बाउंड्री थी ये आधी ही स्कूल की ज़मीन पे हो पाई थी और आधी स्कूल बची हुई थी। तो उसके ऊपर दो अलग अलग समुदायों ने उसके ऊपर जो है अतिक्रमण कर लिया और धीरे 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 वो अपना स्थायित्व जैसा रूप लेने लग गए और वो ये महसूस करने लगे कि ये जो है ये जगह हमारी है। इस तरह की गलत अवधारणा काफ़ी लंबे समय तक 72 से लेकर के अब आप देखिए 2007 के बीच में इतनी लंबी अवधि तक अतिक्रमण रहा, इस वजह से जो है उनका वो स्थायित्व समझने लग गए और दोनों समुदाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगे कि पहले वो समुदाय उठाए तब दूसरा समुदाय उठाए। लेकिन मुझे ये आशा थी कि दोनों समुदाय में कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो कारण कुछ भी रहा हो उनका अतिक्रमण का, लेकिन शायद उससे बात करेंगे तो दूर होगा। और सबसे पहले मुझे खुशी होगी कि मैंने सिर्फ एक निवेदन किया था श्री रंगलाल जी से नहीं, और उन्होंने शहर से तैयार किया कि अगर सभी के अतिक्रमण हटते हैं तो सबसे पहल मैं करूँगा, और उन्होंने अतिक्रमण हटाया भी सही और उनको हमने फिर स्वतंत्रता दिवस पर साफा गंदा करके विद्यालय परिवार की ओर से उनका सम्मान किया। आपकी ज़मीन स्कूल की ज़मीन के पड़ोस में ही? पड़ोस में थी सर, तो कुछ आपका काम भी उस ज़मीन पे स्कूल की ज़मीन पे चलता था, मतलब अतिक्रमण आपका था? चल जी जी। तो आपने अतिक्रमण क्यों हटाया? बच्चा बच्चे के खेल कूद में मैदान में जा रहे इसलिए मनुष्य तो उठा बर्बाद मौको नहीं मिले, कोई दूसरा आदमी कर लो शर्मा जी किया था भाई आगे भी कहा जी वो तो पर्चा की ज़मीन में भी दे सकते हैं ना, जो तो कब्जा ही तो था उनको समझाया भाई तो स्कूल का हो एरिया है स्कूल का है समझा के हटवा दिया। जब तक स्कूल में कोई ग्रामवासियों का या लोगों का पैसा नहीं लगेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि इसमें हमारा भी कुछ सहयोग है, तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि उसकी सुरक्षा आप उस कदर तक नहीं कर सकते जितना गवर्नमेंट पैसा देती है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ग्रामवासियों से कुछ ना कुछ करके यहाँ पर लगाया जाए। यहाँ पर एक महिला समूह भी चलता है, अलावती जी उनकी संचालिका है, मीटिंग के दौरान वो हमारे SMC के सदस्य भी है, तो यहाँ उनको बुलाया और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि भाई हम महिलाएं मिलकर के भी जो है आपको कुछ वो देंगे, और सभी के स्टाफ के सामूहिक प्रयास से और प्रबुद्ध लोगों से मिलकर के मैंने एक मीटिंग आयोजन की और 15 अगस्त के ऊपर जो है इसी गांव के नहीं अभी तो पूरी ग्राम पंचायत के जो भी वरिष्ठ जन हैं उनको मैंने यहाँ निवेदन किया, निमंत्रित किया, और जब अपनी पूरी बात उनके सामने रखी तो लगभग अच्छा सहयोग उन्होंने हमारे स्कूल को दिया और उसी की बदौलत है कि आज इसके लिए थोड़ा प्रोग्रेस कर पाया है। और मीना मंच में जो महिलाएं हैं उनका काफ़ी सहयोग रहता है, यहाँ तक कि हमारे विद्यालय की तरफ से विद्यालय के जो स्टाफ हैं उनकी तरफ से भी स्कूल के अंदर जो सहयोग दिया जाता है, पहले भी दिया गया था और अभी भी इस विद्यालय में सहयोग दिया जाता है पानी पिलाने के लिए पौधों को और भी जो छोटी मोटी आवश्यकताएँ हैं। मैंने 3 प्रकार के प्रयोग किए। सबसे पहला जो व्यवहारिक प्रयोग था कि गवर्नमेंट के वहाँ से आदेश निकलता है कि जो है आप अभिभावकों से संपर्क कीजिए और उनको प्रेरित कीजिए, लेकिन व्यवहारिक बात करेंगे जब तक अपने बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे सरकारी में तो उनको कह पाना वो एक उनके साथ धोखा होगा। और मेरा बच्चा और जो है बच्ची मैंने ये सोचा है कि इनको अगर मैं अच्छी मेहनत करूँगा, मेरा स्टाफ अच्छी मेहनत कर रहा है तो निश्चित रूप से वो यहीं पढ़ेंगे और उनको देख देख करके जो है और दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। पहला जो मैंने यहाँ पर यह अपनाया। दूसरा कि स्कूल का कुछ अच्छाइयाँ जो है यहाँ पर जो टीचर्स मेहनत करते हैं कुछ अच्छाइयाँ, तो इनका प्रचार प्रसार बाहर भी होना चाहिए। उसके मैंने 3 साधन अपने, पहला फ्लैगशिप बोर्ड के द्वारा भी उनका प्रचार किया, दीवार लेखन भी किया और पंपलेट्स भी मैंने वितरण कराए, तो उसके फलस्वरूप यहाँ जो है गनवर पंचायत होते हुए वहाँ प्राइवेट से स्कूल होते हुए और वहाँ से काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरा मैंने ये देखा और जो निर्धन बच्चे हैं या जो छोड़ पाते हैं तो ऐसे जिनके पिता नहीं है उन बच्चों का मैंने सूची बना करके और उनको पालनहार योजना से जोड़ करके और उनको छात्रवृत्ति दिला करके ऐसे बच्चों को मैंने यहाँ दाखिला दिलाया ताकि वो पढ़ पाए और उनका आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो पाए।
सर, एक तो जो भी हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनके अलावा इस गांव में जितने भी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, वो चाहे बाहर पढ़ते हों, चाहे मालपुरा पढ़ते हों या विश्वविद्यालय में पढ़ते हों, लेकिन इस पंचायत में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनकी लिस्ट मंगवाते हैं और उनको यहाँ स्कूल में सम्मानित करते हैं। उसके दो रिजल्ट निकल करके आते हैं, एक तो वो जो अच्छे बच्चे हैं उनको देख करके बच्चे भी अच्छे प्रेरणा लेते हैं, और दूसरे उनके जो अभिभावक है उनका सीधा संपर्क हमारे विद्यालय से हो पाता है और एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच हमारे विद्यालय के प्रति उनकी बनती है। और इसी का नतीजा है कि हमारे जो सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी एक कंपटीशन रहता है कि अगर अच्छे अंक लाएंगे तो स्कूल में अपने को सम्मानित करेंगे। एक हमारे गाँव में जो है नाना जाट करके, उसने कभी विद्यालय का मुँह नहीं देखा और उसको आठवीं की एक संस्था के माध्यम से एक आठवीं की उसको परीक्षा दिलाई गई, उसको किताबें निःशुल्क दी गई और वो बच्ची इतना पढ़ पाई, वो आठवीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। और आप सुनकर के हंसेंगे कि जो परीक्षा देने गई तो बिल्कुल जो राजस्थानी ड्रेस होती है, लहंगा और चुन्नी चुन्नी वो ओढ़ करके वहाँ परीक्षा देने गई, और हमने बहुत समझाया। उसकी बचपन में शादी भी हो चुकी थी तो उन परिवार को भी समझाया और उन दोनों को समझाया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि वो दोनों सहमत हो गए और उसके पिता ने भैंसें चराई और वो बच्चे मालपुरा रेगुलर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में उसने प्रवेश लिया, और प्रवेश लेने के बाद सेकेंडरी की और हाई सेकेंडरी की और अभी A&M की ट्रेनिंग अजमेर कर रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक बच्ची, और उसका नतीजा देखिए कि कुछ बच्चियों में उसको देख करके काफ़ी अच्छा संदेश भी गया, और छात्राओं को लेकर के हम भी विशेष चिंताएं करते हैं कि भाई इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम दूर करें, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है। और काफ़ी हमारे लेडीज स्टाफ भी है तो मिलकर के मीना मंच के और जो अपने यहाँ महिला समूह सहायता समूह बना हुआ है अलाउद्दीन जी सैनी वगैरह सब मिलकर के और एक अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटा सा हमारा आदर्श गाँव सभी यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान और अच्छी उन्नति को प्राप्त करें।